कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन का पहला डोज आईजीआईएमएस में प्राप्त करने का लेने का उसको अवसर मिला है, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। और जो हमारे जितने चिकित्सा के केंद्र हैं सब जगह इन सब चीजों पर ठीक ढंग से काम किया जा रहा है और आईजीआईएमएस से तो विशेष हमारा लगाव रहा है। और पहली बार भी जब टीकाकरण का काम शुरू किया गया था तो यही आकर के पहले दिन ही हम लोगों ने यहाँ पर आकर के लोगों के बीच में बातचीत भी की थी। अब तो सब लोगों को मालूम है कि 60 साल और उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनका और 60 साल से कम 45 वर्ष तक के उम्र के जो लोग हैं जिनको अन्य प्रकार की कोई बीमारी है उसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि अब ये वैक्सीनेशन का काम टीकाकरण का काम सब लोग कराएंगे और पूरे तौर पर ये काम होना चाहिए। और अपने देश से अब इस तरह के वैक्सीन को दूसरे जगहों पर भी भेजा जा रहा है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। दो गज की दूरी आगे एक दूसरे के साथ लोगों को रखने की कोशिश करनी चाहिए, हाथ को धोना चाहिए। टीकाकरण की शुरुआत तीसरे फेज का हुआ है, उसमें आज लेने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी है कि जो भी टीकाकरण कराएंगे उनको तो 30 मिनट तक बैठना है और डॉक्टर्स को सचेत रहना है कि उनको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न उभर करके सामने आए, उसको देखने के लिए कि कोई इन पर रिएक्शन नहीं हो रहा। ये आईजीआईएमएस में ही हमारे जितने माननीय विधायक हैं और माननीय विधान परिषद के सदस्य हैं उन सबों के टीकाकरण का भी यही इंतजाम किया जाएगा 9 बजे से 11 बजे तक का और दिन में 1 बजे से लेकर के 7 बजे शाम तक का ये काम करेंगे। और अन्य लोगों के लिए जो भी इसके लिए जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जिनके बारे में पता चलेगा कि इनका टीकाकरण किया जाना चाहिए उनका टीकाकरण तो यहाँ पर होगा ही। और मैं पुनः कहूंगा कि मुझे आज बहुत अंदर से मुझे प्रसन्नता है कि इसकी शुरुआत हो गई है, उन लोगों को सब लोगों को कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।